Assalamualaikum everyone, this is your RJ Sayyeda Farhana Ali. So कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं, खैर से हैं, होपफुली आप लोग ठीक होंगे, खैर से होंगे। और भाई आज हमारे पास एक और नई रेसिपी, और वो नई रेसिपी क्या है, वो मतलब वैसे तो पुरानी है लेकिन वो है माई स्पेशल रेसिपी। और बात ये है, इंतजार नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे किचन में और फटाफट से तैयारी करेंगे खाना बनाने की। लेट्स गो। सो आज हम बना रहे हैं ढोकले, और ढोकले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया 2 कप बेसन, और उसमें मैंने डाला 1 खाने का चम्मच बारीक पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी मैंने नहीं लिया, आप बारीक चीनी ले लीजिए। और साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड किया है 2 चुटकी हल्दी, और हल्दी ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा वरना इसका टेस्ट अजीब सा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। और मैंने इसमें डाली है 3 से 4 अदद कटी हुई हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने इसके अंदर काट कर डाल दिया। और अब हम इसको यहाँ पर कर लेंगे मिक्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया था ताकि आप लोग ये ना समझें कि मैंने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया है, हसबी ज़रूरत हसबी ज़ायका आप नमक इसमें ऐड कर लीजिए और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि इसमें नमक डालना ज़रूरी है वरना नमक के बगैर ढोकले बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। और फिर इसको मिक्स करने के बाद ये तमाम मिक्सचर हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और हम इसका एक बहुत ही अच्छा सा बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, ठीक है, वरना ये बैटर ख़राब हो जाएगा और ढोकले बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, ना तो फ्लफी बनेंगे और ना ही स्पॉन्जी बनेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके यहाँ पर मिक्स करती जा रही हूँ, और साथ ही साथ बहुत अच्छा सा बैटर आपको नज़र आ जाएगा। और बस आप साथ साथ मेरे साथ एंजॉय करते करते आप ढोकले बनाइए। और मैं आपको यकीन बता रही हूँ, यकीन करें आप मेरी बात का, कि ढोकले इतने मज़ेदार बने थे कि सबको बहुत पसंद आए, अलावा मेरे, मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। लेकिन खैर चलें, अभी ढोकला बनाना बाकी है और ये बैटर हमारा रेडी हो रहा है, और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ स्लोली एंड ग्रेजुअली। कहते हैं कि जल्दी का काम होता है शैतान का, तो हम जल्दी जल्दी काम नहीं करेंगे, हम आराम आराम से काम करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया है और हम इसको कर रहे हैं मिक्स। और ये जैसे ही मिक्स हो जाएगा इसको हम शिफ्ट करेंगे एक कंटेनर में। आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, अगर जो भी आपके पास कंटेनर मौजूद है, आपके पास बेकिंग ट्रे है, अगर कोई छोटा आपके पास यू नो केक बनाने वाला कोई सांचा है, आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर बैटर हमारा तकरीबन रेडी हो गया है, और इस बैटर को मिक्स करने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, और रेस्ट देने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा जो हर घर में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे बैटर को हो चुके हैं तकरीबन कोई 20 मिनट, अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा और इसको मिक्स करेंगे और हम इसको पक। सो बेकिंग सोडा को मैंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लिया है, और इसको बहुत अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी ताकि कोई इसमें लम्ब्स बाकी ना रह जाए और हमारा ढोकला बहुत अच्छा बने, फ्लफी बने। फिर यहाँ पर मिक्स करने के बाद मैंने एक पैन ले लिया, और ये पैन मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ, अगर मुझे कोई केक बेक करना हो तो मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। मैंने इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया, आप कोई भी पैन कोई भी मोल्ड ले लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। मैंने इसको अच्छी तरह से ग्रीस किया ब्रश के साथ ऑयल लगा कर, और इसमें अब मैं ऐड करूँगी ये बैटर। लेकिन उससे पहले मैंने रखी कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर मैंने पानी डाल दिया 2 कप, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये बैटर मैंने इस कटोरे में इस मोल्ड में डालकर इस स्टैंड के ऊपर रख दिया। अब इसको हम ढक कर पकाएंगे तकरीबन कोई 30 से 40 मिनट के लिए, जब तक ये पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका जल्दी रेडी हो जाए तो आप बीच में एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा टूथपिक की मदद से, आपको पता चल जाएगा कि ये रेडी हुआ है या नहीं रेडी हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको पकाया तकरीबन 30 से 40 मिनट के बाद ये हमारा रेडी हो गया था। सो यहाँ पर हमारा ढोकला हो चुका है रेडी, ढोकला नहीं है ये है ढोकले। सो यहाँ पर मैंने इनको कट किया कर लिया है, मोल्ड से बाहर निकाला और मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया, और ये बहुत ही आसानी से बाहर आ गया था रेडी होने के बाद। अब मैंने इसके पीसेस बना लिए हैं, और अब पीसेस बनाने के बाद हम इसका तैयार करेंगे तड़का। तो आराम आराम से आप छोटे छोटे पीसेस इसके बना लीजिए, बहुत ही यमी बहुत ही ज़बरदस्त ढोकला ये बनता है। और आप चेक करें, आपको पता भी चल रहा होगा देखने से कि कितना फ्लफी है ये और कितना अच्छा ढोकला बना है। सो ढोकले को कट करने के बाद हम इसका तड़का तैयार करते हैं। साथ साथ हमने तेल भी गर्म करने रख दिया है, जिसमें हम ऐड करेंगे क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें, इंतज़ार करें, ज़रा मैं ढोकला तो काट लूँ भाई। सो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, और इसमें मैंने डाला है 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल, और इसमें ऐड करेंगे हम राई दाना 1/2 खाने का चम्मच। सबसे पहले मैं इसमें राई दाना डालूँगी, अरे भाई राई दाना डाल दो,
तेल को पहले गर्म होने दो। अच्छा तेल गर्म हो जाए तो इसमें रायदाना हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पर 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ले ली थी जिनको मैंने स्प्लिट करके काट के रख लिया था। सो तेल मैं चेक करूँगी कि गर्म हुआ है या नहीं। गर्म हुआ तो मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाल के चेक कर लिया था कि तेल ठंडा तो नहीं है। फिर मैंने इसके अंदर राई दाना और इसके अलावा मैंने इसके अंदर ऐड किया कड़ी पत्ता तकरीबन आप ले लीजिए कोई 10 से 8 या 10 पत्ते आप ले लीजिए, ठीक है, बस इतने काफ़ी हैं। तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ताज़ा कड़ी पत्ता लीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ साथ हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड कर दीजिए, इस तरह से स्प्रेड करके काट लीजिए और आप इसको फ्राई कर लीजिए। लेकिन आपने ये तड़का जलाना बिल्कुल नहीं है। और इसमें ऐड करेंगे हम चीनी 1 खाने का चम्मच, ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम पकाएंगे। और तड़के में जो हमने पानी डाला है इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना है, सिर्फ हमने इसके अंदर जो चीनी ऐड की है इसको डिसॉल्व करना है। चीनी डिसॉल्व हो जाएगी, पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और साथ साथ मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया था। तड़का हमारा रेडी हो चुका है और हमारे ढोकले भी तैयार खड़े हैं कि हम इस पर डाल दें तड़का। सो तड़का हमने डाल दिया है। ओ ये क्या ज़बरदस्त लग रहा है, आपको शक्ल देखकर ही मुँह में पानी आ रहा होगा। और ये बहुत ही टेस्टी ढोकला बना था और सब ने जो है इसको बहुत इन्जॉय किया। और इसके अलावा देखें, आप ये मैं सोचिएगा कि इतना सारा पानी है तो इसका वो कहाँ जाएगा। ये जो आपको प्लेट में नज़र आ रहा है, साइड में नज़र आ रहा है, आपने ये नहीं सोचना ये पानी है तड़के के साथ ही कहाँ जाएगा, तो ये भाई ढोकले के अंदर ही जाएगा। ढोकलों ने पी लेना है इसको, वरना ढोकले क्या करेंगे। सो ये जो जितना भी पानी आपको ये ऑयल नज़र आ रहा है ये सब पूरा का पूरा ढोकलों के अंदर चला जाता है। ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसको और फिर आप एंजॉय करें। हरी मिर्ची भी साथ साथ खाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और फिर हमें बताइएगा कि ढोकले आज के आपको कैसे लगे और फीडबैक देना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट रेसिपी हम आपके साथ क्या शेयर करें आप ये भी हमें बता सकते हैं। सो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय। सो हाँ जी, वापस आ गए हैं हम और मज़े की रेसिपी। भाई ज़रूर आपने जो हमें कही है रेसिपीज़ वो लाइनअप है, एक के बाद एक रेसिपी आती जाएगी, आपके नाम लेते जाएंगे कि जिस जिसने फरमाइश की है उस उसके नाम के साथ हमारे पास आएगी रेसिपी। ऑफ कोर्स हम शेयर करेंगे, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना अपने प्यार को रखिएगा, बहुत 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 ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। फ़ियामान अल्लाह।